अब आज आपको एक विचित्र बात बताते हैं। भारत में वैसे तो बहुत सारे आश्रम हैं और अलग अलग तरह के हैं, लेकिन आपने एक ऐसे आश्रम के बारे में आज आपको बता रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। यह आश्रम पत्नी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए है, यानी पत्नी से पीड़ित पतियों के लिए बनाए गए इस आश्रम में सभी पत्नी पीड़ित आश्रय ले सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं। इस आश्रम में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो दूसरी शादी का विचार मन में भी न लाए। यह आश्रम महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 12 किलोमीटर दूर शिरडी मुंबई हाईवे पर बना हुआ है और इसमें आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस आश्रम में सलाह भी दी जाती है और अभी तक 50 से अधिक लोग इस आश्रम में आकर रह भी चुके हैं। हाईवे से देखें तो सामान्य घर की तरह दिखने वाले इस आश्रम के भीतर जाते ही अलग अनुभव मिलता है। यहाँ पर एक कार्यालय बनाया गया है जहाँ पत्नी पीड़ितों को कानूनी लड़ाई के बारे में सलाह दी जाती है। कार्यालय में थर्मोकोल से बना कौवा सबका ध्यान खींचता है। हर रोज सुबह शाम अगरबत्ती लगाकर उसकी पूजा की जाती है। आश्रम में रहने वालों ने बताया कि मादा कौवा अंडा देकर उड़ जाती है, लेकिन नर कौवा चूजों का पालन पोषण करता है। ऐसी ही कुछ स्थिति पत्नी पीड़ित पतियों की है। यही वजह है कि कौवे की प्रतिमा का यहाँ पर पूजन किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।